से भी हम ऐसे बस खड़ी है तो क्या काम सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ, यही तो होता है। हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा व्लॉग है हमारे कॉलेज का, वैसे हमारा कॉलेज इतना खास नहीं है पर हमको भी समझ रहे हो ना। तो भाई ये हमारा परशुराम महाराज जी, ठीक है, ये हमारी कॉलेज की एंट्री और बच्चों ने भी एंट्री मारी है, थोड़ा सा बोल लूंगी। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो भाई ये हमारे कॉलेज की पार्किंग, बोलो यार। ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ सर होते हैं जिनकी यहाँ पार्किंग होती है, हमारे कॉलेज की स्टार्टिंग की एंट्री है, बाकी यहाँ बच्चे पार्किंग कर सकते हैं अपनी। तो यहाँ से हम एक और सीन लेते हैं, एंटर करते हैं जैसे हम अपने कॉलेज में। हाँ, सारे स्टाफ वगैरह की पार्किंग है। हाँ, तो लेती नहीं है ठीक है, तक नहीं चली, कभी नहीं चली है, बस कभी लेके भी नहीं गए, कहीं कहीं भी नहीं लेके जाते। अब कैंप जा रहा है पर ऐसे बस खड़ी है तो क्या आएगा कैंप। हाँ, और वो कैंप जा रहा फिर भी। हमारे कॉलेज का छोटा सा गेट है, यहाँ से वो बच्चे आते हैं जो उधर वाली साइड से आते हैं, जैसे कि मैं, जैसे कि ये, और कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ। तो ऐसा कोई नहीं, यहाँ पे कोई व्हीकल खड़ा नहीं कर सकते हम। तो हमारे कॉलेज की बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग, तो हम तो बहुत बड़े फैन है बड़ी बिल्डिंग के। कोई सेंस है इस बात की? तो पहले ये फवारा चलता था, लेकिन अब ना इसके अंदर पानी है और ना चलता। जो फवारा चलता था ना, उसके क्लिप अगर कहीं पड़ी हो कहीं यूट्यूब पे तो दिखाऊंगी, वरना अच्छा लगता था ये। अब आ जाओ, तो ये है एंट्री सी, यहाँ का वैसे फोटो। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो शूट है, वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे। हाँ, शूज अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो इसीलिए क्योंकि भगवान जो परशुराम है उनका यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है। तो ये इतना बड़ा यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, ये है तो भगवान ही ना। एक और यहाँ पे जगह है फोटोशूट करने के लिए, जो कि है ये, यहाँ पे हम फोटोशूट कर सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, रील्स बना सकते हैं। और पिछली बार मैंने यहाँ पे रील्स बनाई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, और अब मैं सेकंड ईयर में हूँ। और यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ भी सकते हैं। जब ठंड होती है बहुत सारी, तो धूप ना डायरेक्ट लगती है, तो यहाँ पे जो धूप का ऐसा सेक होता है ना, वो बड़ा मस्त है। जैसे कि ये मेरी शैडो दिख रही है आपको। कोई सेंस है इस बात की? वैसे कोई कुछ तो नहीं रहेगा ना। ये हमारा ऑफिस है, इसके अंदर हम जो भी प्रॉब्लम होती है वो दिखाऊं। प्रिंसिपल ऑफिस, ये हमारा परशुराम कॉलेज का। ओके फाइन, तो एक जो स्टेयर्स है वो ये है, यहाँ तक जाती है, और बाकी दूसरी स्टेयर्स यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से हम अपनी डीएमसी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो यहाँ से वो लेते हैं। यहाँ से हम फीस काउंटर है, यहाँ से हम अपनी फीस वगैरह कटवाते हैं, जिसको जो भी क्या करने होते हैं क्या करना देख सकते हो। हाँ, नमस्कार सर, ये हमारे सोशल वर्क वाले सर हैं। वॉशरूम, ये लेडीज वॉशरूम है। ओके, यहाँ पे ना स्टाफ बैठता है पर कोई बैठा नहीं हुआ। ये ना जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे होते हैं ना, ये उनके लिए रूम देते हैं, जैसे कोई बाहर से आता है शायद ऐसा होता है, ये मेरा थॉट्स है, बाकी पता नहीं। ये रूम खोल के नहीं दिखा सकती। हाँ देखो, स्पोर्ट्स ऑफिस। ठीक है गाइस, अब देखते हैं। ये हमारा स्पोर्ट्स का ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे बैट बॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो,
कुछ भी खेल सकते हैं यहाँ पे, ये मिक्स ग्राउंड है। वो क्रिकेट होता है, क्रिकेट होता है। क्रिकेट वो व्हाट एवर। हमारा ये मेरी दोस्त थी रूबी, नहीं एक्चुअली ये रूबी तो नहीं है बट शायद उसकी कोई भाई या बहन है। चलो ठीक है, बाय गाइस। अब वो कह रही मुझे मम्मी मम्मी नो। तो हमें अभी तक इसका पता ही नहीं किसका क्या यूज होता है हमारे कॉलेज में, जो कि शायद मुझे ही नहीं पता, शायद सबको पता है। तो शायद हमें जब पता लगेगा तब देखेंगे। तो चलो गाइस अब आगे चलते हैं क्रिकेट खेलने। कॉलेज है हमारा, वैसे मैं हमेशा बोलती थी। तो ये देखो ऐसे लग रहा है इसके अंदर। कहते हैं कि ये ना स्पोर्ट्स का सामान रखते हैं इसमें, बट गाइस आपने देखा होगा कितना बढ़िया स्पोर्ट्स का सामान है। ये है शायद वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, व्हाट एवर। हैंडबॉल ऐसे नहीं होता है, वॉलीबॉल होता है। ठीक है, ये है बैट बॉल खेलने वाला, क्रिकेट होता है वो, क्रिकेट क्रिकेट। पर बैट बॉल भी खेलते थे हाँ, जो कि हमें आता नहीं था पर हम खेलते थे। ग्राउंड जिसके अंदर एथलेटिक्स, ठीक है, क्रिकेट, कोई भी गेम होता है, जैसे एथलेटिक्स की रेस होती है और एनसीसी के लिए बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो इसी ग्राउंड का यूज होता है जब इन चीजों के लिए करता है। परेड वगैरह भी होते हैं, है तो थोड़ा बहुत ठीक हमारा कॉलेज। हाँ भाई, तो ये हमारे कुछ क्लासमेट्स हैं, मेरी नहीं है, मेरी फ्रेंड की है, तो भी हम जानते ही हैं। ठीक है, ये देखो, और ये हमारा दोस्त है। हाय गाइस, हेलो, नहीं हेलो करते हैं, हेलो, हट जा, करी जाए ओके, ठीक है, इसने हेलो नहीं करी, आ जाएगा थोड़े दिन में। ये अमरूद का पेड़ है, ये मेरा फेवरेट है, यहाँ पे जब भी अमरूद बड़े होते हैं मैं खाती रहती हूँ और मुझे और What? Bro, what are you talking about, man? खाने नहीं दिया जाता। चल रुक जा। तो ये हमारा ग्रीनरी 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 और यहाँ पे ना कॉलेज वालों ने शायद किसी को रहने के लिए दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे देते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे खेती कर रखी है जिसमें एक में गेहूं आ रहा है, एक ये सरसों है, इसका मुझे पता नहीं किस चीज का पेड़ा है, पता नहीं, शायद कोई फली फुली सैमसंग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, मूली। ठीक है, ये लहसुन है या प्याज है, कि लहसुन ही होगा क्योंकि प्याज तो बहुत ही रेयर है जो बंदे उगाते हैं। तो ये हमारे पप्पी दूर भाग रहे, उनको कुछ नहीं करती थी, मैं प्यार आ जा, चल चल। अब यहाँ पे ना इधर के एरिया में आके आपको लगेगा ही नहीं हमारा कॉलेज है, क्योंकि ये एरिया हमें गांव का लगता है। जैसे कि देखो, हाँ जैसे ये देखो, धनिया भी उगा रखा है यहाँ। तो यहाँ हमारा जब टाइम पास नहीं होता तब यहाँ पे एक आंटी है, हम उनके पास आते हैं, उनके साथ बातें मारते हैं और एंजॉय करते हैं। चलते हैं आगे। अभी हमारा वही वाला एरिया शुरू हो जाता है जहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि स्टेयर्स जाती है। ये हमारी शुरू होती है, ये हमारा कंप्यूटर लैब, उसके अंदर कंप्यूटर सेक्शन है एंड अगर कुछ मिस लैब भी है लेकिन शायद हम घुस के फिजिक्स कोई नहीं ओके नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री की लैब, वो बंद है तो हम अंदर जाके ये दिखा सकते हैं। और ये रूम है, ये है गर्ल्स कॉमन रूम, इसमें सिर्फ गर्ल्स का आना लो है, बॉयज का आना लो नहीं है, तो उसको मस्ती करनी होती है इसी कलर करते हैं हम लगकर लड़कियां। और यहाँ पे हमें बैठ कर सर्दियों में बहुत टाइम पास होता था, हम सारी गर्ल्स यहीं पे बैठती थी, मजा आता था। ओके हम चलते वही घर से उधर, हमें नहीं पता वैसे एक्चुअली यहाँ क्या है, और बीएससी बीकॉम वाले बच्चों उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। ये स्टेयर बनाने छोड़ दी उन्होंने, पता नहीं क्यों। ये हमारा ओपन का एरिया, ये
अच्छा इसको साड़ी है तो ये हमारे जैसे खिड़की है, अंदर से भी हम आ सकते हो। आप भी मैं कैमरा पकड़ू नहीं आ जाओ। और ये ऊपर कबूतर बैठा, देखो दिखा दिखा कबूतर दिखा दो। इट्स ओके तो वहां से घुसे थे हम, यहाँ से निकल गए। और ये हमें चाय देता है। अरे चल पिला दे, कप चाय हो गई है, पिला दे। चल मैं कैंटीन में आ रही, फिर पिलाइयो। ठीक है, अब आगे से ऊपर हमारी लाइब्रेरी जाएगी, यहाँ से हम बाकी बैकग्राउंड दिखाते हैं आपको। चलो तो इस टाइप का हमारा कॉलेज है, जिसका ग्राउंड कुछ इस प्रकार है। हमारी छोटी सी कैंटीन है वहाँ पे, और ऐसे कुछ है। ये हमारी स्टेयर्स है, इधर का जो काम है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो अभी अलाउ नहीं हमें जाते हुए चढ़ते हैं। चालू है ना, ये देखो भैया ये काम अभी हो रहा है कंप्लीट। ठीक है सेम एज यहाँ, फिर ये खुलेगा भी बनेगा भी। ये हमारी लाइब्रेरी है, दोस्त है एक करण, इसके अंदर घुसा है। मेरी क्लास में पढ़ता है हमारा, मेरा क्लासमेट है, वो बना रहे हैं। हमारा कॉलेज में इतने कोई खास दोस्त नहीं है, हमारा करण ही अभी फिलहाल के लिए दोस्त है। जो कभी इसका चांद हो जाता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। पेपर की पूछो तो बोलता है मुझे कुछ नहीं आता, और फटाफट लिख देता है सारा का सारा। हमारा स्टेज है, ठीक है, गिनी चुनी लड़के दिखी हमने हमारे कॉलेज में। फूल है कुछ यहाँ पर, मुझे प्यास लगती है। ठीक है गाइस, ये यहाँ का ग्राउंड है। यहाँ पे लगता है कि हम पार्क में आए हुए हैं, कॉलेज को ये कम लगता है इस जगह से, पार्क ज्यादा लगता है। यहाँ पे सीट वगैरह रखी हुई है, पेड़ है और दिख रहा हो सबको बहुत सारे पेड़ है। यहाँ एक आंवले का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। जब गर्मी हो जाती है हम अमरूद भी खाते हैं और आंवला भी खाते हैं सर्दियों में। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कैंटीन ओपन कर रखी है, तो यहाँ पे कैंटीन चलाते हैं यहाँ पे, और हमें फिलहाल चक्कू दिखा रहे हैं। ठीक है, इनके चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इनके मेन्यू यहाँ पे है ये, ठीक है। चाय इन्होंने यहाँ वीडियो नहीं बनाई है, कॉफी 20 रुपए की कर रखी है, आलू पैटी 15 की, और क्रीम पैटी 20 की, तंदूरी पैटी 25 एंड ऑल एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जितना खास नहीं है। और यहाँ से बच्चे टॉप टॉप के जाते हैं। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा कॉलेज आपको, और जो भी हमने कुछ बोला उसको ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि हम ऐसी मस्तियाँ करते रहते हैं फनी वे में, फनी वे में सब कुछ बोलते हैं। तो ये हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, और जो कॉलेज के बारे में है वो हम आपको बताएंगे। हाँ, तो हमारे इस कॉलेज में आने का एक मेन रीजन तो ये था कि हाँ भाई इसमें जो क्लासेस होती है ना, वो अगर आप रेगुलर लगाते हो और आप रेगुलर नहीं आ रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको रेगुलर डिग्री फिर भी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे कुछ क्षेत्र में जो और कॉलेजेस में रेगुलर जाना पड़ता है तो ये आपको रेगुलर डिग्री मिलती है। तो यहाँ पे जो आईएस वगैरह करता है, पीटी करता है, तो इस कॉलेज में आ सकता है, एडमिशन ले सकता है, और साइड बाय साइड वो अपनी पीटी आईएस वगैरह कर सकता है, और यहाँ पे वो उसको रेगुलर की डिग्री भी मिल जाती है। तो हमने भी इसी पर्पज से स्पेशली इस कॉलेज में एडमिशन लिया है कि हम मस्ती कर सकते हैं, यहाँ वहाँ जा भी सकते हैं, और हमें रेगुलर जाने की भी जरूरत नहीं है, और इतनी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है। बंक भी मार सकते हैं, बट हमारे पास कोई बंक मारने का मेन पर्पज है नहीं, तो हम बंक नहीं मारते, हमारा बंक जैसा ही है कॉलेज हो जाता है। तो हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें। और अगर आपको वीडियोस ये पसंद आई तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे ऐसी वीडियोस चाहिए हमसे, अगर कॉलेज के टॉपिक पे अगर कोई हो। हाँ, तो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए, अगर किसी का एडमिशन लेना हो तो वो हमसे बता सकते हैं, हमसे बता देंगे, वीडियो बना देंगे।